Students, welcome to your maths class. We are on exercise 3.3. Today we will start question number 3. From the pair of linear equations for the following problems and find their solutions by substitution method. Here some statements are given and we have to convert them into the pair of linear equations and after that solve these equations using substitution method. So हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, देन फाइंड देम. हियर टू कंडीशंस आर गिवन. एक तो दिया गया कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. फर्स्ट कंडीशन इज हियर कि दो नंबर्स है, दोनों का डिफरेंस 26 है. और सेकंड कंडीशन दी गई है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, कि एक जो एक नंबर है दोनों में से वो दूसरे को 3 टाइम है, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके बन रहा है. देन वी हैव टू फाइंड दीज नंबर्स. लेट अस स्टार्ट नाउ. लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर इज वाई. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन दी गई है कि दोनों का डिफरेंस 26 है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस वाई इज 26. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकेंड दे हैव गिवन वन नंबर इज 3 टाइम इज अनदर, मतलब दोनों में से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है. दैट मीन्स हम मान लेते हैं कि x है वो y का 3 टाइम है. इट मीन्स x इज इक्वल टू 3y. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हम x से y की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई, मतलब x की वैल्यू 3y है. हम डायरेक्टली इसे फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब हमें किसी इक्वेशन से स्पेशली फाइंड नहीं करनी पड़ी x की वैल्यू. हमारे पास ऑलरेडी अपने आप ही इक्वेशन ऐसी बन गई जिसमें x की वैल्यू निकल आई है. तो अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में. सो पुट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. सो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और x की वैल्यू क्या है 3y. तो x यहाँ पे है, उसके वहाँ पे हम क्या लेंगे 3y. सो यहाँ पे x है तो x की जगह हम वैल्यू फिल करेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26. है 3y माइनस वाई इज 2y इज इक्वल टू 26. देयरफॉर y इज इक्वल टू 26 बाय 2 इज 30. तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 30. अब एक नंबर हमने फाइंड कर लिया दोनों में से. अब नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर फाइंड करना है x, उसके लिए हम या तो फर्स्ट या सेकेंड किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो मैं सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू फिल कर रही हूँ. नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3y. इट मीन्स x इज इक्वल टू 3 इंटू वैल्यू ऑफ y. वैल्यू y की कितनी 13. 3 इंटू 13 दैट इज 39. हैंस द नंबर्स आर, देयरफॉर नंबर्स आर, नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हुए, एक हो गया 39 एंड सेकेंड 13. 39 एंड 13, दिस इज योर आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट इज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, फाइंड देम. वट इज द क्वेश्चन हियर. लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक हमारे पास कंडीशन ये सप्लीमेंट्री एंगल्स की है. लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. और दूसरी कंडीशन ये है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल में से जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है. तो सो टू कंडीशंस आती है. तो हम दोनों कंडीशंस को यूज़ करके अप्लाई करके अपनी दो इक्वेशंस बनाएंगे. तो अब यहाँ पे बात हो रही है टू एंगल्स की, और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया कि एक लार्जर एंगल है और एक स्मॉलर है. तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल इज वाई. तो फर्स्ट कंडीशन हमें अप्लाई कर रही हूँ कि लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा है. सो अकॉर्डिंग लेट अस स्टार्ट सी. लेट स्मॉलर नंबर इज एक्स एंड सॉरी लार्जर एंगल इज एक्स एंड स्मॉलर एंगल इज वाई. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो बड़ा एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा है. सो दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू लार्जर एंगल इज स्मॉलर एंगल प्लस 18 डिग्री. वाई को हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे.
या हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। एंड नेक्स्ट जो कंडीशन मैंने कहा था, सप्लीमेंट्री वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, सप्लीमेंट्री वर्ड, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स हू सम इज 180 डिग्री। सो हियर वी विल मेंशन बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हाँ, सप्लीमेंट्री इट मीन्स सम ऑफ बोथ एंगल्स इज 180। देयरफॉर लार्जर एंगल प्लस स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 180। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने क्यों नहीं कन्वर्ट इसलिए नहीं किया था कि मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू बन रही है, तो हमें x या y की वैल्यू चाहिए होती है सब्स्टिट्यूशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास x की वैल्यू है, तो इस x की वैल्यू को मैं अपने सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी। वट इज सेकेंड इक्वेशन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू क्या है? y प्लस 18। मतलब जहां पे x है उसकी जगह हम लिखेंगे y प्लस 18। सो हियर x की जगह आ गया y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y प्लस वाई 2y, 18 को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे, इट विल गेट सब्ट्रैक्ट माइनस 18। सो 2y इज इक्वल टू 162 एंड y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 2, 81 डिग्री। सो एक एंगल हमारे पास आ गया 81 डिग्री। सो दिस इज स्मॉलर एंगल। अब हमें चाहिए लार्जर एंगल, तो लार्जर एंगल फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी भी इक्वेशन में अपनी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर रही हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, और फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x इज इक्वल टू y प्लस 18। तो यहाँ पे y की जगह हम यूज करेंगे वैल्यू 81। सो x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, सो इट इज इक्वल टू 99। दैट मीन्स हमारे पास दोनों एंगल्स आ गए, स्मॉलर एंगल इज 99 एंड सॉरी स्मॉलर एंगल इज 81 एंड लार्जर एंगल इज 90। देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल हमारे पास 99 एंड 81। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ये क्रिकेट कोच है, उसने पहले 7 बैट और 6 बॉल्स ली, तो उसकी बिलिंग हुई 3800 रुपीज की। आफ्टर दैट शी बाइज 3 मोर बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3 बैट लिए और 5 बॉल्स लिए, देन बिल वाज 1750। We have to find the cost of each bat means one bat and cost of each ball means one ball. हमने एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो जो चीज़ फाइंड करनी है वही अज्यूम करके चलते हैं। सो लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इज रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज रुपीज वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन फर्स्ट केस शी बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। अगर एक बैट एक्स रुपीज का है तो 7 बैट हो गए 7x रुपीज के, एक बॉल y रुपी की है तो 6 बॉल्स हो गई 6y रुपीज की। तो 7 बैट्स और 6 बॉल्स की टोटल कॉस्ट मिला के बनी 3800। सेकेंड केस में 3 बैट और 5 बॉल्स, 3 बैट्स की कॉस्ट होगी 3x और 5 बॉल्स की होगी 5y, तो दोनों की टोटल कॉस्ट बनी 1750। सो हेयर आर द टू इक्वेशंस। तो अब हमने इन इक्वेशंस को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। तो अब हम किसी भी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू ले लेते हैं। सो आई एम चूजिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो पहले 5y को शिफ्ट करेंगे। सो 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y। नाउ वी विल शिफ्ट 3, तो यहाँ रह गया x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 3। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली,
एक्स की वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन में से निकाली है, तो अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट हम किस में करेंगे, अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फिल की 750 माइनस 5/3, तो 7 इंटू एक्स है, तो 7 इंटू वैल्यू ऑफ x प्लस नेक्स्ट टर्म इज 6y इज इक्वल टू 3800। अब 7 और 3 की कटिंग नहीं हो रही, तो दैट मीन्स 7 ने ऊपर न्यूमिरेटर के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 7 को 1750 से किया, वी गेट 12,250, देन 7 इंटू 5 माइनस 35y प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब 6y के नीचे डिनोमिनेटर ने मीन्स हेयर इज 81। तो अब हम क्या करेंगे, बाय एलसीएम मेथड लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। एलसीएम इज 3, तो टर्म्स 12,250 माइनस 35y प्लस 3 इंटू 6 18y इज इक्वल टू 3800। तो पहले 3 को हम शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड, इट विल मल्टीप्लाई बाय 3800। ऑन लेफ्ट साइड वी विल गेट 12,250 माइनस 35 प्लस 18, इट इज माइनस 17y इज इक्वल टू 3 को 3800 से मल्टीप्लाई किया, फिर 24 3 9 11। अब हम 12,250 को शिफ्ट करेंगे, सो हेयर लेफ्ट माइनस 17, लेफ्ट हैंड साइड पर रह गया माइनस 17y, 11,400 माइनस 12,250 इज माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 800। नेगेटिव साइंस विल कैंसिल, तो y आ गया हमारे पास, सॉरी 850 ओवर 17, इट इज इक्वल टू 50। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 50। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। अब सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए इसे हम फर्स्ट सेकंड या थर्ड किसी इक्वेशन में फिल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन हैं, फर्स्ट सेकंड और इतने थर्ड है, तो हम दोनों में से तीनों में से किसी भी इक्वेशन में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। मैं थर्ड इक्वेशन में फिल कर रही हूँ, तो थर्ड इक्वेशन में हमारे पास थी x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y ओवर 3। तो यहाँ पे y की जगह हम y की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 50 वो फिल करेंगे। सो x विल बी इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 ओवर 3। तो ये आ गया 1750 माइनस 250 ओवर 3। सो हेयर वी विल गेट 1500 अपॉन 3, दैट इज 500। तो हमारे पास x की वैल्यू आई 500। x हमने मानी थी कॉस्ट ऑफ बैट और जो y मानी थी वो कॉस्ट ऑफ बॉल, सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू रुपीज 500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू रुपीज 50। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज रुपीज 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? What is the question? कि टैक्सी चार्जेस हैं एक सिटी में और वो कैसे उन्होंने फिक्स किए हैं कि उस टैक्सी चार्ज में एक हिस्सा तो फिक्स चार्जेस का है, वो हर पैसेंजर से लिया ही जाए टुगेदर विद, और उसके साथ जो चार्जेस ऐड हो रहे हैं वो डिस्टेंस कवर्ड के अकॉर्डिंग, कि कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब कि कितने किलोमीटर कवर किया उसके अकॉर्डिंग। मीन्स के मान लो कि अगर हम किसी टैक्सी को हायर करते हैं उसके फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं, 100 रुपीज़ 200 मान के चलते हैं,
200 फिक्स है और बाकी के जो चार्जेस उन्होंने ऐड करने वो देखना है कि कितने किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्जेस इंक्रीज करते जाएंगे। 1 किलोमीटर में सपोज हम पर किलोमीटर मान लेते हैं कि 100 है, अगर किसी पर्सन ने 3 किलोमीटर जाना तो 300 और ऐड हो गए, 200 फिक्स चार्जेस, 300 और ऐड हो गए, मतलब टोटल उसका जो फेयर बन गया टैक्सी चार्जेस बन गए 500। तो इसी हिसाब से मतलब कि एक तो हमारे पास फिक्स चार्जेस होने चाहिए और दूसरे हमने यहाँ पे क्या ज़ूम करना है, चार्जेस पर किलोमीटर। आगे लिखा है कि अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कोई कवर करता है तो उसे 105 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, अगर कोई 15 किलोमीटर कवर करता है तो उसे 155। मतलब 10 किलोमीटर का जो 105 रुपीज़ का फेयर है, चार्जेस हैं, वो फिक्स चार्जेस प्लस 10 किलोमीटर के चार्जेस मिला के बने। इसी तरह 15 किलोमीटर के लिए जो चार्जेस 155 वो कैसे बने हैं, इसमें फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर दोनों एडिड हैं। सो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर, हमने फिक्स चार्जेस टैक्सी के और चार्ज पर किलोमीटर ए 1 किलोमीटर पे कितने चार्ज कर रहे हैं वो फाइंड करना है। एंड आफ्टर फाइंडिंग दैट हमने ये फाइंड करना कि अगर किसी ने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना हो तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा। तो दैट मीन यहाँ पे पहले तो हम बात करेंगे कि चार्जेस के, चार्जेस दो तरह के, एक फिक्स्ड है एक चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्जेस को हम एक्स मान लेते हैं और पर किलोमीटर जो चार्जेस हैं उन्हें हम वाई मान के चलते हैं। लेट फिक्स चार्जेस रुपीज एक्स एंड चार्ज फॉर 1 किलोमीटर इज रुपीज वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट केस दिया है वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और उस 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए 105 रुपीज़ के चार्जेस हैं। तो 105 में कौन कौन से, एक तो एक्स रुपीज़ तो हर एक पैसेंजर से लेने ही लेने हैं, फिक्स चार्जेस हैं, प्लस 1 किलोमीटर पे चार्जेस हैं वाई रुपीज़ और उसने कवर किया 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के हो गए 10y। फिक्स चार्जेस प्लस चार्ज अकॉर्डिंग टू किलोमीटर्स और दोनों मिला के उसका जो चार्जेस बन रहे हैं वो 105 बन रहे हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड केस में उन्होंने कहा है कि फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है तो उसका जो टोटल चार्जेस है वो 155 है। अब 155 में कौन कौन से चार्जेस ऐड हैं, एक तो फिक्स चार्जेस एक्स वो तो लेने ही हैं उन्होंने और बाकी अकॉर्डिंग टू किलोमीटर्स। तो अब उसने 15 किलोमीटर कवर किया, 1 किलोमीटर के लिए y है तो 15 के लिए हो गया 15y इज इक्वल टू 155। सो वी गेट 2 इक्वेशंस। अब इसमें हमने वही सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके अपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो किसी भी इक्वेशन में से हम x की वैल्यू ले लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 10y को शिफ्ट करेंगे, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब x के इस वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है और इसे फिल कहाँ करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा, x की ये पूरी की पूरी वैल्यू, तो मैं x को रिप्लेस कर रही हूँ उसकी वैल्यू के साथ, इट इज इक्वल टू 105 माइनस 10y और नेक्स्ट टर्म है मेरे पास प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। अब 105 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा और इस साइड माइनस 10 प्लस 15 माइनस होके 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। सो वी गेट 5y इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 50/5 दैट इज 10। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब x वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू हम अपनी थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू फिल करके निकाल सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो अब यहाँ पे हम y की वैल्यू फिल कर देंगे, y की वैल्यू जो हमने फाइंड की है दैट इज इक्वल टू 10, 105 माइनस 10 इंटू 10 दैट इज 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5, इट मीन्स x इज इक्वल टू 5। तो x हमारे पास थे फिक्स चार्जेस और y हमारे पास चार्जेस पर किलोमीटर।
सो देयरफॉर फिक्स चार्जेस हमारे पास आ गए इज इक्वल टू रुपीज 5 एंड चार्ज पर किलोमीटर वो आया हमारे पास रुपीज 10। सो नेक्स्ट उन्होंने जो क्वेश्चन में दिया गया, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। अगर किसी पर्सन ने 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना तो उसे कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पहले हम 25 किलोमीटर्स के लिए इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सो फॉर 25 किलोमीटर्स उसके चार्जेस कैसे हम डिसाइड करेंगे, एक तो उससे फिक्स चार्जेस लेने हैं रुपीज एक्स, एक तो उसने फिक्स चार्जेस पे करने हैं, प्लस अब 25 किलोमीटर कवर करना है, 1 किलोमीटर के हमने माने थे वाई, तो 25 किलोमीटर के हो गए 25y। अब यहाँ पे हमारे पास x और y दोनों वैल्यूज हैं, तो इस इक्वेशन में यहाँ पे हम x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया x की जगह पे 5 और 25 मल्टीप्लाई वाई, वाई हमारे पास है 10, तो 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255। सो 425 किलोमीटर पर्सन विल पे रुपीज 255। सो दिस इज योर आंसर। एक हमारा ये आंसर हो गया फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। सेकंड हमने फाइंड करिए कि 25 किलोमीटर के लिए किसी पर्सन को कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, दैट वी हैव फाउंड। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाती है, 9/11। इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अगर 3 को ऐड किया जाए दोनों में न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये फ्रैक्शन 5/6 के इक्वल हो जाती है। सो फाइंड द फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन फाइंड करना है। सी ओके, तो अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन तब बनती है जब हमारे पास एक न्यूमिरेटर होता है और एक होता है डिनोमिनेटर। तो इट मीन्स के फ्रैक्शन बनाने के लिए यहाँ पे हमें न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अज्यूम करने पड़ेंगे। सो लेट न्यूमिरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। इट मीन्स फ्रैक्शन क्या बन गई, न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक्स अपॉन वाई। अब चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन फर्स्ट केस दे आर सेइंग इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर दोनों में न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाए, दैट मीन्स के न्यूमिरेटर एक्स है, एक्स में 2 प्लस कर दिया, ओवर डिनोमिनेटर में वाई है, वाई में 2 प्लस कर दिया, तो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 के इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो अब इस इक्वेशन को हम अपनी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू एक्स प्लस 2, हेयर कम 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो x और y के टर्म्स हम एक साइड पे ले आते हैं, 11x, 9y को शिफ्ट किया, ये बन गया -9y, और यहाँ पे है 18, और 22 को शिफ्ट किया -22। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट कंडीशन वी फॉर्म इक्वेशन 1। अब सेकंड में कहा कि अगर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए, मींस अगेन अगर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए, देन इट विल बिकम इक्वल टू 5/6। तो यहाँ से भी हम अपनी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, इट इज 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। तो टर्म्स को शिफ्ट कर लेते हैं, 6x, 5y को लेफ्ट साइड पे लेके आए, -5y इज इक्वल टू 15, अब 18 को राइट हैंड साइड पे, -18। सो आवर सेकंड इक्वेशन इज 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 11x माइनस 9y माइनस 4 एंड 6x माइनस 5y माइनस 3, दीज आर टू इक्वेशन विद अस। तो अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को मैं यूज़ कर रही हूँ x की वैल्यू निकालने के लिए, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो
पहले 9 बाय को हम शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो गया, आफ्टर दैट वी विल शिफ्ट 11 ऑन दैट साइड जो यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो हमारी इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 बाय ओवर 11। अब इस वैल्यू को हम अपनी सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारी सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे x की जगह हम x की ये पूरी वैल्यू प्लेस करेंगे, तो 6 into वैल्यू ऑफ x, नेक्स्ट टर्म है -5y इज इक्वल टू -3। तो अब 6 और 11 की कटिंग नहीं हो रही, तो 6 को हम ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर से बारी बारी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6 इंटू -4 इज -24, 6 इंटू 9 इज 54 और साथ में y ओवर 11, -5y ओवर 1 इज इक्वल टू -3। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग एलसीएम, 11 और 1 का एलसीएम आ गया 11, तो यहाँ पे 11 का न्यूमिरेटर सेम ही रहेगा, -24 प्लस 54y माइनस 11 को 5 से मल्टीप्लाई करके 55y इज इक्वल टू -3। तब यहाँ से हम 11 को शिफ्ट करेंगे, 11 इधर आके -3 के साथ हो गया मल्टीप्लाई, सो 11 3 का -33, और इस साइड लेफ्ट साइड पे 54y और -5 55y दोनों को सॉल्व करके बन गया -1y और -24 एज इट इज। अब आगे हम 24 को अपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे ये नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो गया, -33 प्लस 24 हमारे पास आ गया 9, सो y की वैल्यू आई हमारे पास 9। अब y की इसी वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y ओवर 11। तो अब यहाँ पे y की जगह हम y की वैल्यू 9 देंगे, तो -4 प्लस 9 इंटू y, -4 प्लस 9 इंटू वैल्यू ऑफ y, दैट इज 9 ओवर 11, 9 9 81, -4 ओवर 11, तो 77/11 दैट मीन्स 7, इट मीन्स x आ गया 7। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए कहा था, हमने x और y दोनों वैल्यूज फाइंड कर लिए न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या बनी x अपॉन y, x हमारे पास है 7 और y हमने फाइंड किया था 9, सो आर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/9 विच इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, 5 ईयर्स हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स एज दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. So, what are their present ages? What is the question? 5 years hence, after 5 years, जो Jacob की age है, वो उसके बेटे की age का 3 times हो जाएगी. And 5 years ago, 5 साल पहले, Jacob की जो age थी, वो अपने बेटे की age का 7 times थी. तो उन दोनों की present ages क्या है? तो obviously, इस question में हम present age मान के चलेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट में जो एज दी गई है वो फ्यूचर की है, आफ्टर 5 इयर्स की, तो हम जो भी प्रेजेंट एज मानेंगे उसमें 5 इयर्स इंक्रीज करके चलेंगे। और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है 5 इयर्स अगो, ये 5 साल पीछे की एज है, तो इस केस में हम दोनों की एज में से 5 इयर्स लेस करके चलेंगे। नाउ लेट अस सी हाउ, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज एक्स इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज वाई इयर्स। सो पहले सिचुएशन में उन्होंने कहा कि 5 years hence कि आज से 5 साल बाद, तो पहले हम ये देखेंगे हमारे पास जो एक्स वाई हैं वो दोनों के प्रेजेंट एजेस हैं एंड हमें दोनों की 5 year बाद की एज चाहिए। तो आफ्टर 5 years की एज के लिए क्या होगा, अगर जैकब आज एक्स years का है तो 5 साल बाद उसकी एज में कितने साल इंक्रीज हो जाएंगे, 5, तो दैट मीन्स जैकब की एज जो आफ्टर 5 years होगी वो हो गई एक्स प्लस 5 years और सन की एज हो गई y प्लस 5 years। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 5 years हेंस वाली एज है इसमें कंडीशन क्या है कि जैकब की एज अपने ही बेटे की एज का 3 टाइम्स, मीन्स यहाँ पे जो जैकब की एज है वो है x प्लस 5, ये किसके इक्वल है, 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एज, मतलब 3 टाइम एज ऑफ हिज सन, एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बनेगी। नेक्स्ट है 5 years ago, तो 5 साल पहले जैकब की एज क्या थी, अगर आज उसकी एज एक्स ईयर है तो 5 साल पहले उसकी एज क्या थी, 5 साल पहले उसकी एज मतलब आज की प्रेजेंट एज से 5 साल लेस होगी, -5 और जैकब की एज वाई -5। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago, Jacob's age was 7 times as his son's age.
मतलब जैकब की 5 साल पहले की एज जो है वो उसके बेटे की एज का कितना है, 7 टाइम। सो x माइनस फाइव इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस फाइव। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो इस इक्वेशन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस फाइव इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस फाइव। तो मैं यहाँ पे साइड पे कर रही हूँ, x प्लस फाइव इज इक्वल टू 3 विल मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट 3y प्लस फाइव। तो 3y को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, 5 को राइट साइड पे ले आते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 3y प्लस 15 इज इक्वल टू, क्योंकि 3 ने 5 से भी मल्टीप्लाई होना, यहाँ पे 15 आएगा। अब 5 को इधर आके माइनस किया, फिर आगे 15 माइनस 5। सो फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हमारी सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बनेगी, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y, 7 इंटू 5 माइनस 35। तो यहाँ पे अगेन y वाली टर्म लेफ्ट साइड पे और कॉन्स्टेंट टर्म ऑन राइट साइड। तो 7y इधर आके हो गया माइनस, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, और 5 को उधर शिफ्ट किया बन गया प्लस। सो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, तो अब आगे हमने इनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। x कितना हो गया 10 प्लस 3y, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। और फर्स्ट इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकाल ली, अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी सेकंड इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। नाउ सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो अब x की वैल्यू क्या है, 10 प्लस 3y। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 प्लस 3y। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, 10 प्लस 3y, नेक्स्ट टर्म है माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो अब 10 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, 3y और माइनस 7y आपस में सॉल्व हो जाएंगे बिकॉज दीज आर लाइक टर्म्स। 3 माइनस 7 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। नाउ माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस साइन विल कैंसिल। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 40/4, दैट इज इक्वल टू 10। इट मीन्स y इज इक्वल टू 10, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ x। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, और y की जो वैल्यू हमने फाइंड किया दैट इज 10। तो यहाँ पे y की वैल्यू फिल कर देंगे, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10। सो x 10 प्लस 30 दैट इज 40। x आ गई हमारे पास 40, इट मीन्स जैकब की एज, सो एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर्स एंड एज ऑफ सन इज 10 ईयर्स, दिस इज योर आंसर। सो हियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 इज फिनिश्ड। इन केस ऑफ एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।